अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा विजय, बात कीजिए कि जो चीफ जस्टिस है उन्हें रिमार्क किए थे 62 NAF के जी जो कानून बने हुए, अगर कैद अजम भी होते इस वक्त तो वो भी नायल हो जाते, तो ये कानून किसने बनाए हैं? इन कानून जी को कौमी असम्बली जो लोग इलेक्ट होते हैं, इनका काम है भाई कानून ठीक करना। हमारे जो लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी का कानून बनाते हैं, या ऐसे कानून बनाते हैं कि खुद हुकूमतदार में अपोजिशन को रगड़ा दिया जाए, और जब वो खुद अपोजिशन में आते हैं खुद भी उस केसेस में फंस जाते हैं। तो ये बात है, जो कुछ गलत केसेस बने हुए हैं या जो कुछ गलत कानून बना हुआ उनको सेट करें अदालत, आप ऑब्जर्वेशन दें पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को, उन्हें कहे कि ये जो केसेस है या ये जो आइन में तरमीम है ये तरमीम करिए कि जो है शिक्स बनी हुई है या गलत है, इन चीज़ों को ठीक करना है ना। पाकिस्तान को ठीक करने के बारे में सोचा जाए, अलग पाकिस्तान के ठीक करने के बारे में कोई भी नहीं सोचा, सब अपनी पड़ी हुई, और मुल्क जो है मुल्क के गरीब आवाम का कोई नहीं सोचा, गरीब आवाम जुल्म की चक्की पीस रही और पीसती रहेगी। मुझे जो सिचुएशन लगी हुई है सबको अपनी पड़ी है, गरीब आवाम का कोई नहीं सोचा और ना सोचेगा, सबको अपनी पड़ी हुई है, सबको अपने इकतदार की पड़ी हुई है। जैसे इकतदार मिलते हैं वो अपोजिशन को दबाना शुरू कर दे। बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट में नाइली का जो नवाज शरीफ की थी वो 4 जनवरी तक चली गई है, तो उस पर जो है जावेद लतीफ़ जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमें लेविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अगर नॉन लीग ये कह रही है ना कि लेविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो फिर पाकिस्तान में किसी से अजीज मात को ना लेविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और कितनी भाई लेविंग प्लेइंग फील्ड चाहिए? इतने सब कुछ पिट गया कि सारी आधी पार्टी टूट, तकरीबन सारी पार्टी टूट गई, उनके जो कुछ हुआ उनके घरों पर चापे सब कुछ। ये कहते हैं पिछली बात भी हुई, पिछली हुकूमतों में भी हो रहा है, अगर पिछली हुकूमतों में गलत होता रहा तो आप इस हुकूमत में अगर यानी ग्रांड में जब भी होते हैं उसको डिफेंड नहीं कर सकते, आप कहें ये भी गलत हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में जितना पीटीआई के साथ हो रहा है इतना किसी सियासी जमातों के साथ नहीं हुआ। 9 मई नो डाउट पीटीआई की एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन 9 मई की आड़ में सारे लोगों को आप नहीं पकड़ सकते, कि जिन लोगों ने गलती किया उन लोगों को बिल्कुल पकड़े, लेकिन उसकी आड़ में सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, सारे लोगों को दौड़ उधड़, हर लोगों जो लोगों ने नहीं किया गलत काम उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और उसके अलावा बात ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को नहीं मिली। भाई जहाँ किधर बात करें, आपके एयरपोर्ट में आपकी जो कहते हैं बायोमेट्रिक होगी, आप इस वक्त फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये काफ इस वक्त नवाज शरीफ जो है मुजरिम है, मरियम नवाज जो है वो वालद की तीमारदारी के लिए जमानत में, लेकिन खुली रिहाइश मिली है, उसके बाद उन्हें दोबारा कैद नहीं किया, क्योंकि वो 7 साल सजा भी है। यही तो मैं कहता पाकिस्तान का सिस्टम।